हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्यूष एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईक्यू क्लासेस। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लास 10th आईसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है, कौन कौन से, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द नेक्स्ट वन इज केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर। देखिए, मैं आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से एकदम एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया क्लास 10th के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से आप तक मैं पूरी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आप लोग को भी अपनी मेहनत पूरी तरह से रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, ये मैंने पॉइंट पहले इसलिए इसके कलर्स लिख के रखे हैं ताकि आप लोग को ये चीज क्या कहते हैं पता हो कि इनके कलर्स कौन कौन से। इसको मैंने पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में फिर आपको बताने में, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट पहचान जाएंगे। तो ये सब इसके क्या है, कलर्स। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास कैटायंस हैं और एनायंस हैं, तो मैंने वही कैटायन और वही एनायन लिया है जिनके कलर बहुत बहुत ज़्यादा या तो प्रॉपर्टी पूछी जाती है या फिर बहुत ज़्यादा रेयर है, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है। बाकी जितने भी हैं हमारे पास मैंने उनको नहीं लिया है। तो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर्स देखने हैं और इंपॉर्टेंट कलरलेस देखने हैं। अच्छा, मैं आपको कलरलेस के लिए बता देता हूँ, जो हमारे पास आप लोगों कहीं पर भी अगर ग्रुप 1, 2 13 से लेके 13 to 17 तक अगर इनके कहीं भी आप लोगों को कंपाउंड्स मिले तो ये हमारे होते हैं कलरलेस। क्या होते हैं, कलरलेस। तो हमको वही देखना है जो हमारे कलर शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जनरली, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जनरली कि हमारे पास ये भी जो कलर है इसका वाइट है। वाइट भी एक तरह से कलरलेस में ही आ जाता है लेकिन कुछ ना कुछ तो कलर शो करता है ना, तो वाइट कलर यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है, हम लोग को सिर्फ हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स और कुछ भी हम लोग उसके अलावा नहीं देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पहला कलर शो कर रहा है, हम लोग कैटायन में बात करते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग के पास एक फेरस है और एक फेरिक है। क्या है, फेरस है और फेरिक है। जो Fe2+ वाला है वो कैसा कलर शो करेगा, डर्टी ग्रीन कलर शो करेगा। और जो फेरिक कलर होता है, आप लोग उससे भी ध्यान रखते हैं, फेरिक यानी Fe यानी आयरन, तो आयरन का कलर जनरली कैसा होता है, ब्राउन होता है, तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए Fe3 का ब्राउन कलर। और कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्लू। और क्रोमियम का कैसा कलर होता है, ग्रीन। और मैग्नीज का कैसा कलर होता है, पिंक। तो आपको इनको याद कर लेना है। और बाकी ये जो हमारे एनायन के कलर्स हैं इनको आपकी रटने की जरूरत ही नहीं, जिस तरह से मैं इसको ट्रिक बताऊंगा। पहले हम लोग चलो शुरू करते हैं क्रोमेट से। अच्छा, क्रोमेट से क्या आप लोगों को क्रो वाली फीलिंग आ रही है, अगर क्रो कहाँ होता है, आसमान में। आसमान का कलर कैसा होता है, उसमें सूरज होता है ना, सूरज का कलर कैसा होता है, येलो। तो इसीलिए हम लोग क्रोमेट को क्रो से भी डील कर सकते हैं। क्रोमेट यानी क्रो, क्रो कहाँ उड़ता है, आसमान में। भाई आप लोग यहाँ पता नहीं कहाँ उड़ता होगा, तो कहाँ उड़ता है, आसमान में। आसमान में क्या होता है, सूरज। सूरज का कलर कैसा होता है, येलो। अच्छा, अब डाइक्रोमेट की बात करते हैं, क्या यहाँ पे डाई वर्ड यूज हो रहा है, बालों में लगाने वाली डाई, तो डाई कैसी होती है, ऑरेंज कलर की, तो ऑरेंज। अब यहाँ पे बात करते हैं पर मैग्नेट की, पर मैग्नेट, पी से पर मैग्नेट, पी से पर्पल, पी से पर मैग्नेट, पी से पर्पल। तो बहुत इजीली हम लोग एनायन के कलर ध्यान रख सकते हैं। इनके अलावा जितने भी एनायन होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कलरलेस। तो ये सिर्फ ये कलर शो करते हैं और ये वाले हमारे कैटायन कलर शो करते हैं। अब इन्हीं को लेकर के ये तो चाहे हमारे पास NaOH में हम लोग डील करें, NaOH में, या फिर हम लोग डील करें NH4OH में, हम लोग किसी में भी डील करें, इनके कलर्स यही रहेंगे। इसके अलावा कलर चेंज इनके नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पे जो कैल्शियम है जो यहाँ पे व्हाइट कलर शो करता है, और NH4OH में ये रिएक्शन मतलब सॉल्युबल होता ही नहीं है किसी भी हालत, चाहे हम एक्सेस में ले लें चाहे हम लो अमाउंट में लें तो भी ये सॉल्युबल नहीं होता। सिर्फ यही इसका अंतर है। चलिए बात करते हैं अब रिएक्शंस की। अगर मैं बात करूं रिएक्शंस की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं रिएक्शन विद NH4OH। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिया NH4OH के, पहले मैंने, हम लोग किसके साथ डील करते हैं, हम लोग पहले लेते हैं एक सॉल्ट सॉल्यूशन। मैं आप लोग को ये भी एक रिएक्शन या दो रिएक्शन मैं आप लोग को लिख के दिखा दूंगा कि कैसे एग्जाम में आप लोग भी लिखोगे, और आप लोग को रिएक्शन बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री रटना मना है। यहाँ पे है सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हम लोग लेते हैं एक एल्कली। एल्कली वही हमारा होता है जो कि एक मेटल और एक बेस के साथ रिएक्ट करके उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली। जैसे यहाँ पे एक NaOH और इसी के बाद हम लोग डील करेंगे NH4OH, तो हमारे पास ये दो एल्कली होंगे। हम लोग के सिलेबस में भी यही है,
अच्छा, अब मैंने एक एल्कली ले लिया। एल्कली लेने के बाद हम लोग को जो मिलता है ना, वो हम लोग को मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। और यही क्या बनाएगा? एक पीपीटी बनाएगा। क्या बनाएगा? एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। और प्लस हम लोग क्या लेंगे? जो हम लोग का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, जो हम लोग का सॉल्ट फॉर्म होगा, कहाँ पे? सॉल्ट फॉर्म इन सॉल्यूशन, सॉल्ट फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। सभी को अच्छे समझ आए? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं, जैसे हम लोग ने स्टार्ट कैल्शियम से किया था, हम लोग यहाँ पे भी कैल्शियम ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम नाइट्रेट, और एल्केली हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे? सिंपली NaOH जो चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। आप लोग को रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, सॉल्ट क्या फॉर्म होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कैल्शियम होता है 2+, NO3 पे होता है माइनस चार्ज। अगर आप लोग को NO3 यानी किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज नहीं निकालने आते, जो यूट्यूब पे मेरी सबसे बेस्ट ट्रिक पड़ी है, मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर हम लोग को ऑड इवन नंबर से देखना है, कौन से नंबर से? ऑड इवन। कौन से नंबर से? ऑड इवन। अगर नाइट्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का अगर 8 है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं मैं, अगर ऑड इवन मिले, ऑड इवन मिले, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। अगर मान लीजिए मेरे पास जैसे है कार्बोनेट, मान लेते हैं, तो मेरे पास कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। अगर इवन इवन आ जाए तो उसके ऊपर चार्ज है 2-। इससे बेस्ट ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि अब बात कर लेते हैं जैसे OH- पे ऑक्सीजन होता है 8, हाइड्रोजन होता है 1, तो इसी वजह से इसके ऊपर चार्ज होता है -1, और हाइड्रोक्साइड पे यही चार्ज होता है। चलिए इसको हटा देते फटाक से। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग को रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे, जैसे मैंने कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+, NO3 पे कितना चार्ज होता है -1, सोडियम पे कितना चार्ज होता है +1, और OH पे कितना चार्ज होता है -1। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाना, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाने में तो आप लोग एकदम महारत हासिल किए। तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाएंगे और सिर्फ कैंची चलाएंगे। कैंची चलाना है, सिर्फ कैंची चलाना है। कैसे चलाना है? ऐसे चलाना है। तो चलाएंगे ना, अगर चला दिया तो फिर क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और क्या यहाँ पे क्या है? NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा? बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या मिल गया? सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, अभी हम लोग ने कैल्शियम का ऊपर कलर कैसे देखा था? तो व्हाइट। तो यहाँ पे किसका प्रेसिपिटेट बनेगा? यहाँ पे व्हाइट का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो हम लोग ने बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग ने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एक बार देखते हैं, एक बार दूसरे मेटल के साथ। इससे इसके ऊपर हम लोग ने किसके साथ रिएक्ट कराया था? हम लोग ने देखा था कैल्शियम के साथ। अब की बार हम लोग देख लेते हैं किसके साथ? फेरस के साथ। यानी अब की बार हम लोग को किसके देखना है? फेरस के साथ। फेरस का कलर कौन सा था? सिर्फ एक फेरस था जिसका आयरन का कलर तो ब्राउन होता है, लेकिन वो आयरन Fe3+ था। तो यानी Fe2+ वाले का तो कलर डल्टी ग्रीन था। हाँ, तो यहाँ पे अब की बार मैंने लिया Fe SO4। यहाँ पे अब की बार मैंने क्या लिया? Fe SO4। SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 2- का, ठीक है। प्लस अब की बार भी हमको क्या लेना है? NaOH। अच्छा, मैंने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, आप लोग बैलेंस सिंपली कर लीजिएगा। यहाँ पे NaOH हो गया। अब यहाँ पे तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन हम लोगों को तो प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सर ने क्या सिखाया है? हम लोगों को कैंची चलाना है। कैंची कैसे चलाना है? यहाँ पे क्या हो गया? Fe2+। SO4 पे कौन सा चार्ज होता है? सल्फर 16, ऑक्सीजन 18। अगर दोनों इवन तो उसके ऊपर चार्ज आ गया 2-। यहाँ पे Na+ और यहाँ पे है OH-। क्योंकि यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। सभी समझ आए? अब इसके बाद क्या बनेगा? Na2SO4 ये बन जाएगा, क्योंकि SO4 के ऊपर कितना चार्ज था? 2-। तो इसलिए हमको कितने NO लेने पड़े? 2 Na हमको लेने पड़े। अब ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डर्टी ग्रीन। सभी को अच्छे से समझ आए? हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने रिएक्शंस को देखा, सिर्फ उसके साथ ट्रीट कराया, हम लोग ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कैची चलाया, और उसका प्रोडक्ट भी हमें मिल गया। अब चलिए एक बार फटाक से हम लोग NH4OH के साथ भी हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन विद NH4OH, रिएक्शन विद
NH4OH। अच्छा अब की बार हम लोग को भी रिएक्शन NH4OH के साथ करना है। हम लोग ने पहले किसके साथ रिएक्शन किया था? हम लोग ने किया था कैल्शियम नाइट्रेट के साथ। इसमें भी ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, ऐसे ही एल्कली होगा, एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक सॉल्ट फॉर्म होगा सॉल्यूशन में। अब की बार हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं लेकिन एल्कली चेंज कर रहे हैं, कौन सा? NH4OH। यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम नाइट्रेट लिया था NO3 का होल ट्वाइस प्लस, यहाँ पे मैं अब की बार क्या ले रहा हूँ NH4OH। अब की बार फिर हमको क्या करनी है? हमको कैंची चलानी है। कैंची कैसे चलानी है? Ca2+ NO3- पे। अच्छा अमोनियम हाइड्रो, अमोनियम के ऊपर तो सभी को चार्ज पता है प्लस, और OH पे कितना चार्ज होता है? माइनस। तो अब की बार क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। आप लोग को तो पता ही है पॉजिटिव निगेटिव कैसे अट्रैक्ट होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। क्या बन गया हमारे पास? अमोनियम नाइट्रेट। तो इस तरह हम लोग सभी रिएक्शंस हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक और देख लेते हैं, अब की बार हम लोग कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब की बार मैंने ले लिया कॉपर, तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि वहां पे कॉपर क्या था? प्लस टू में था। प्लस अब की बार हमको किससे रिएक्ट कराना है? NH4OH के साथ गिव्स आउट, हम लोग रिएक्ट करा देते हैं। अब रिएक्ट कराने के बाद हम लोग को क्या करना है? फिर से पॉजिटिव और निगेटिव मिलाना है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसका कलर कैसा था? ब्लू कलर का, और कुछ कुछ ये ब्लू कम, ये पेल ब्लू यानी थोड़ा सा ब्लू ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH4NO3। ये क्या बन गया? अमोनियम नाइट्रेट। तो हम लोग ने एनालिटिकल केमिस्ट्री को जितनी भी बुक में रिएक्शंस दे रखी थी बहुत बड़ी बड़ी, हमने उसको एकदम सिंपलेस्ट वे में कर दिया। तो आप लोग को मेरे ख्याल से अब इसको पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी और आप लोग इसको बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी हम लोग ने किया ही तो कॉपर सल्फेट के साथ। अच्छा, हम लोग ने कॉपर नाइट्रेट के साथ किया था तो कॉपर सल्फेट के साथ भी कर सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमको पूछ रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड का मास पूछ रहा है। कॉपर कितना होता है? 64 इन्होंने दे रखा है। प्लस OH का कितना होगा? ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? जैसे हम लोग इसको ब्रैकेट अगर मान लीजिए हम लोग क्लोज भी कर देते हैं तो इनटू क्या है? 2 में है। तो ऑक्सीजन कितना होता है? 16 यानी हो गया 32। प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 यानी हो गया 2। तो ये हो गया 34 और ये हो गया हमारे पास 64। तो 64 प्लस 34 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 98। तो ये हो गया हमारा इसका मास। अब पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। हमारे पास प्रेसिपिटेट कौन सा फॉर्म हुआ? कॉपर हाइड्रोक्साइड का। और अभी हम लोग ने देखा कॉपर हाइड्रोक्साइड का कौन सा कलर होता है? पेल ब्लू, या फिर आप लोग नॉर्मल ब्लू भी याद करेंगे तो भी एकदम करेक्ट है। तो हम लोग ने कितने इजिली वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। लेड मतलब पीबी, नाइट्रेट मतलब NO3 और पीबी हमेशा प्लस टू वैलेंसी में होता है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस अब तो हमें एल्कली बीनोन दे दिया, अब तो हमें पता है सिर्फ हमें क्या चलानी? कैची चलानी है। बस ये प्लस टू, ये हो गया NO3 2-, ये हो गया Na और ये हो गया OH। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है? अब हमें सिर्फ कैची चलानी है। तो यहाँ पे बन जाएगा पीबी का हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे पीबी का क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस NaNO3 बन जाएगा। और अभी हम लोग ने कैल्शियम और जिंक के साथ ऊपर देखा था कि इसका कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसका प्रेसिपिटेट कैसा फॉर्म होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हो गया व्हाइट पीपीटी। तो बहुत इजिली हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर आप लोग को, आप लोग का इसका आंसर क्या आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब मेरी इस
ट्रिक को और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और एग्जाम में फुल मार्क्स लाएंगे। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करते करते हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी डील कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डील कर लिया। दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, डील कर लिया। एनालिटिकल केमिस्ट्री, डील कर लिया। अब हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक के ऊपर, क्योंकि अब की बार एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 मार्क्स की ऑर्गेनिक आनी ही आनी है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक में। बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं हूं प्रत्युष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईक्यू क्लासेस। तो अभी तक मैंने आप लोग को जितना भी कुछ पढ़ाया है या फिर जितना भी कुछ मैंने आप लोग को बताया है, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो क्लास 10 आईसीएस से रिलेटेड, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये सब के आपको सॉल्यूशन भी कैसे आप लोग को प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करना है आईक्यू क्लासेस, एंटर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोग आईक्यू क्लासेस देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से क्लिक होने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, आप लोग के 9th, 10th, 11th, 12th, तो आप लोग के जो भी भाई बहन जिस हिसाब से भी आप लोग के क्लास में, आप लोग उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर आईसी बोर्ड के तो आईसी, सीबीएसई है तो सीबीएसई पे आईसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू लॉग इन रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग को कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ईमेल के द्वारा मैसेज या फिर कुछ बता भी सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के अगर सेक्शन पे जाएंगे, केमिस्ट्री सेक्शन में आप लोग को जाने के बाद ये देखिए आप लोग को सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट्स, एनालिटिकल वगैरह, आपको सभी चैप्टर के आप लोग को यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो मैंने अभी तक आप लोग को जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो भी आप लोग को पढ़ाया है, तो उसमें आप लोग को इसके सभी नोट्स मिल जाएंगे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे आते ही तो ये देखिए बोल्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मेरे लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स, यानी जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है एग्जाम में 2023 आने के लिए, वो भी आपको मिलेगा। तो ये देखिए आपको यहाँ से आप लोग को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आप देरी बिल्कुल मत करिए, फटाक से चालू हो जाइए, बिल्कुल भी मेहनत में हम लोग को ढिलाई नहीं करनी है, हम लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है।